Hello friends, don't forget to like, subscribe and share with your friends and family. Assalamualaikum friends, आज हाजरा कुक शो लेके आया है आपके लिए एक मजेदार से यूनिक रेसिपी फर्स्ट टाइम ऑन YouTube चैनल नवाबी चिकन क्रंची कबाब। ये कबाब ऊपर से एकदम से क्रिस्पी और क्रंची लगेगी और अंदर से चीजी और चटपटी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 400 ग्राम के बराबर चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स कट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टेबलस्पून ताज़ा कटा हरा धनिया, 1/2 टीस्पून ओरेगानो हर्ब्स, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट नमक के साथ है ये, 2.5 टीस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट तीखी वाली यहाँ पे मैंने यूज़ की है, 1 टेबलस्पून जितना कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबलस्पून जितना गरम मसाला पाउडर, और इसी के साथ आपने डाल देना है 2 टेबलस्पून जितना चेडर चीज़। चीज़ का आप यहाँ पे कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आपने अच्छे से मिक्स करना है और 1 या 2 घंटे के लिए इसे आपने रख देना है मैरिनेशन के लिए। और यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ पे मैदे का और कॉर्नफ्लावर का घोल, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून जितना मैदा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, इन सब को आपने पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है और चुटकी भर नमक अपने ज़रूरत के मुताबिक आप नमक का इस्तेमाल करें। स्लरी भी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। चिकन को भी 2 घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स। 1 कप जितना ब्रेड क्रम्स और कुछ स्लाइस ब्रेड को आपने बीच में से कट कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पे स्लरी भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है फ्रेंड्स। चिकन के 4 से 5 आपने क्यूब्स लेने हैं और इस तरीके से आपने इसकी कबाब बना लेनी है। यहाँ पे मैंने मैदे का घोल का इस्तेमाल करूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इस तरीके से आपने कबाब बना लेनी है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप ये 1 बार बनाएंगे और खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ये कबाब बनने में इतनी ही इजी है और खाने में उतनी ही मज़ेदार है। रमज़ान में ये कबाब आप बना के इसे फ्रीज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। यकीन मानिए ज़रा भी ख़राब नहीं होगी आपके कबाब। हमारे सारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी मज़ेदार से कोटिंग करेंगे। आपने सबसे पहले इसको अच्छे से स्लरी में डिप करना है और फिर आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाना है। मैं पेनको ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो फ्रेश ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। बस हमारी ये देखिए मज़ेदार सी सारी कबाब बन चुकी है। अगर आप चाहे तो इसे आपने रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे मैं स्टिक में इसे डालूँगी, ये टोटली ऑप्शनल है। चाहे तो आप इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे नवाबी स्पाइसी टॉपिंग की तरफ। 1 बड़ी साइज का टोमेटो, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर और अपने ज़रूरत के मुताबिक आप नमक का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच जितना क्रीम चीज़। चाहे तो आप इसे भी ज़्यादा क्रीम चीज़ का इस्तेमाल करें। और 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम। इस सब इंग्रेडिएंट्स को जार में डाल के आपने इसको अच्छे से बीट करना है। ये देखिए मज़ेदार सी स्पाइसी नवाबी टॉपिंग बनके तैयार हो चुकी है। चाहे तो 2 से 3 दिन के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज में। हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे हमारे मज़ेदार से कबाब को फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। इस कबाब का आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। ये खाने में उतने ही मज़ेदार है और बनाने में उतने ही आसान है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
अब हम इस कबाब को सर्व करेंगे मजेदार सी सैलेड और फ्रेंच फ्राइज के साथ। अपनी फैमिली को भी इसे गरम गरम खिलाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाजरा कुक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।